जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्रीराम पब्लिक स्कूल। आई एम मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, योर कंप्यूटर सब्जेक्ट टीचर। एंड एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3, दैट इज सॉफ्टवेयर। सो वी आर डिस्कसिंग टूडे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन डिटेल। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज वीडियो लेक्चर? सो वी विल लर्न अबाउट कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑल ऑफ दीज इन दिस। ओके, वी विल लर्न अबाउट अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, बिलिंग सिस्टम। ठीक है, इन मोबाइल एप्लीकेशन वी विल लर्न अबाउट व्हाई डू वी नीड मोबाइल एप्स, वेयर टू गेट एप्स फ्रॉम, टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स, सम कॉमनली नोन एप्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with customized application software. So these type of software are specific purpose software designed as per requirement of a particular user. ठीक है, इसमें ये जो software होता है वो basically specific purpose software होता है, यानी कि किसी विशेष purpose के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर यूजर। ठीक है, विशेष यूजर के रिक्वायरमेंट के लिए, यूजर के विशेष रिक्वायरमेंट के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, उसको कहते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दीज आर डिजाइन बाई द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा बनाए जाते हैं आफ्टर थ्रोली स्टडिंग द नीड्स ऑफ यूजर। ठीक है, यूजर की जरूरत के हिसाब से उसको थ्रोली मतलब कि अच्छे से उसको अध्ययन करने के बाद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजाइन करते हैं, जैसे कि बिलिंग सिस्टम इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी डेली बेसिस पे जो परचेजिंग होती है, जो खरीदारी होती है, जो प्रॉफिट लॉस होता है, उसको बिलिंग सिस्टम के नाम से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है यूजर का उसके हिसाब से बनता है। ठीक है, और या फी कलेक्शन सिस्टम इन स्कूल में जो फी कलेक्शन कलेक्ट होता है वो भी आपका, उसको आप एप्लीकेशन के थ्रू, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग दीज सॉफ्टवेयर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरह की जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर का मतलब है जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, उससे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा हाई होती है। ठीक है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें आपको अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करवाना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, इसमें नेक्स्ट मतलब कुछ हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे जो आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दिस इज वन ऑफ द बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन द अकाउंट बुक्स लाइक लीजर्स, डे बुक, सेल्स परचेज, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा। ठीक है, ये एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंट बुक को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लेजर्स हो गया, डे बुक हो गया, सेल्स परचेज, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, एंड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द कलेक्टेड डेटा। और जो भी हमारे पास डेटा होता है उसके उस पर आधारित फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, तो अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। फिर दूसरा है आपका रिजर्वेशन सिस्टम। दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ ऑनलाइन और काउंटर रिजर्वेशन, बुकिंग फॉर ट्रेन्स, फ्लाइट्स, होटल्स। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम का मतलब यहां पे ये है कि आप जो है
अगर आपको ट्रेन की, रेलवे की टिकट बुक करनी है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, होटल बुक करना है, ऑनलाइन भी कर सकते हो या ऑफलाइन आप जाके सीधे काउंटर पे कर सकते हो, तो इसको रिजर्वेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसके लिए वो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसको इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, तीसरा आपका है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू यूज इन द ऑफिस, ये आपका सॉफ्टवेयर दफ्तरों में यूज होता है, ऑफिस में यूज किया जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन या कोई बड़ी संगठन में यूज किया जाता है। ठीक है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज किया जाता है। लाइक देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी, एम्प्लॉय की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी सैलरी, सैलरी डिटेल्स, उसने उन्होंने कितना लीव लिया है, कितना लीव बची हुई है, एंड ऑल्सो टू डील विद द न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है, और न्यू अपॉइंटमेंट का मतलब है जो न्यू ज्वाइनिंग होती है उनके, उनको डील करने के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा प्रबंधन उपस्थित के लिए, ऐसा प्रबंधन सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ऑन ए रेगुलर बेसिस। ठीक है, किसी भी संगठन में या किसी भी कंपनी में रेगुलर बेसिस पे नियमित जो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, उसको मेंटेन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट मैनुअली। ठीक है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें मैनुअली अटेंडेंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैनुअली मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करना है तो आसान हो जाता है काम। ठीक, नेक्स्ट आपका है पेरोल सिस्टम। ठीक है, पेरोल सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे द कैलकुलेशन ऑफ द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रिपेयरिंग फाइनल सैलरी शीट एज पर देयर ग्रेड्स एंड पर्क्स इज द टास्क ऑफ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी और उनकी फाइनल सैलरी शीट जो है बनाने के लिए उनके ग्रेड्स और उनके पर्क्स के बेस पे, ग्रेड्स का मतलब है उनको परफॉर्मेंस का जो ग्रेड है और पर्क्स के बेस पे उनको सैलरी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरोल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री इज द स्टॉक ऑफ प्रोसेस्ड एंड अनप्रोसेस्ड गुड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक किसी भी कंपनी में, किसी भी संगठन में इन्वेंट्री किसी सामान को, किसी चीज को प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड में स्टॉक करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, जैसे आपका स्कूल है, इन स्कूल देर आर वेरियस टीचिंग एंड क्लासरूम्स एड्स। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग और क्लासरूम्स एड्स वेयर इन्वेंट्री नीड्स टू बी कंट्रोल लाइक बेंचेस, चेयर्स, कंप्यूटर्स, बोर्ड्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग एंड क्लासरूम एड्स यूज हो रहे हैं जो कि जिन्हें आप इन्वेंट्री से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप किस स्कूल में बेंच चेयर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, बोर्ड की बात करें, अदर स्टेशनरी की बात करें, ये सब आपका इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कितने बेंचेज यूज हो रहे हैं, कितने, सो दिस सॉफ्टवेयर आर कैन बी हेल्प टू मैनेज दिस ह्यूज इन्वेंट्री ऑन ए डे टू डे बेसिस। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको डे टू डे बेसिस का मतलब है दिन ब दिन के आधार पे मैनेज करने में, ह्यूज इन्वेंट्री को मैनेज करने में बहुत आसान कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिलिंग सिस्टम। ये क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर हैंडल्स द इनवाइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस से सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो किसी प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट या उसके सर्विस को, ठीक है, सर्विस को, ठीक है, सर्विस टू द कस्टमर, ठीक है, उसके सर्विस और प्रोडक्ट के जो सर्विस और प्रोडक्ट जो दिया गया उसको, ठीक है, उसके लिए इनवाइस तैयार करने के लिए हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, इनवाइस बनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बिल बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिल्स आर जनरेटेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए बिल्स जो है जनरेट किए जाते हैं,
लाइक इन डिपार्टमेंटल स्टोर, चाहे आप कहीं डिपार्टमेंट स्टोर पे जाइए, होटल्स पे जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, रिटेल काउंटर्स पे जाइए, ठीक है। रिटेल काउंटर का मतलब जो मॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं। सो दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली डिकैलकुलेट्स द बिल अमाउंट एंड जनरेट्स द इनवॉइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वो एक एक बिल प्रोवाइड करेंगे, और इस बिल प्रोवाइड करने के लिए वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसको बिलिंग सिस्टम कहा जाता है, जो आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन, नेक्स्ट आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या चीज होता है, आप सभी लोग जानते हो मोबाइल के बारे में। ये मोबाइल एप्लीकेशन इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन ऑन ए मोबाइल डिवाइस, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मोबाइल डिवाइस पर रन करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सच एज स्मार्टफोन, जैसे कि स्मार्टफोन और या टेबलेट, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन आर जनरली नोन एज एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन को साधारणता या सामान्यतः एप्स कहा जाता है। दीज एप्स आर यूजली स्मॉलर इन साइज, ये जो ऐप होते हैं ज्यादातर ये जनरली क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं एज मोबाइल डिवाइस, जितना मोबाइल डिवाइसेस एज मोबाइल डिवाइसेस हैव लिमिटेड मेमोरी, जैसे कि मोबाइल डिवाइसेस में लिमिटेड मेमोरी होता है, उसी तरीके से एप्स भी जो है साइज में छोटे होते हैं। मोबाइल एप्स मे कम प्रीलोडेड इन द स्मार्टफोन और टैबलेट, ठीक है। मोबाइल एप्स जो है वो फोन में या टैबलेट में, स्मार्टफोन में या टैबलेट में पहले से इंस्टॉल हो सकते हैं या पहले से लोड हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके मोबाइल में जब आप नई मोबाइल लेते हो तो आपके मोबाइल में जीमेल, कैलेंडर, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, व्हाट्सएप, गूगल ड्राइव, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, ये सब आपके मोबाइल में पहले से हो सकते हैं, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड करता है, ठीक है, कि उस मोबाइल की फीचर्स क्या है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाई डू वी नीड मोबाइल एप्स, हमें मोबाइल ऐप की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, हमें जरूरत क्या है, ठीक। तो यू नो दैट देर आर मोबाइल्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड नाउ एक्चुअली बिकम्स स्मार्टफोन वंस, ठीक है। आज के समय के मतलब जो है हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें मोबाइल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है, ठीक है। एंड एक्चुअली वास्तव में ये मोबाइल ही है, ठीक है। वी कैन नॉट कैरी ए डेस्कटॉप और ए लैपटॉप एवरीवेयर, हम जो है मोबाइल फोन को या डेस्कटॉप लैपटॉप को या डेस्कटॉप को हर जगह नहीं ले जा सकते। मोबाइल एप्स ब्रिंग ए लॉट ऑफ यूटिलिटीज विद देम, ठीक है। मोबाइल एप्स के जरिए हम जो है उसे उसमें बहुत सारी चीजों को ले जा सकते हैं। सम ऑफ दीज बट स्मार्टफोन कैन बी कैरीड एंड यूज, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मोबाइल फोन्स का हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। अब देखिए, पहला पॉइंट है ए स्मार्टफोन इंटीग्रेट सेवरल गैजेट्स सच है, एक स्मार्टफोन में बहुत सारे सर्विसेस लगे होते हैं, जैसे कि उसके अंदर कैमरा होता है, ठीक है। कैमरे का यूज आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। रेडियो, रेडियो सुन सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, जीपीएस नेविगेटर। जीपीएस नेविगेटर से क्या होता है कि हम अगर किसी के मोबाइल में अगर जीपीएस ऑन है तो उसके करंट लोकेशन को हम जान सकते हैं, ठीक है। एंड मच मोर ये इन ए सिंगल डिवाइस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एक केवल सिंगल डिवाइस, सिंगल स्मार्टफोन डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्स हैव मेड कम्युनिकेशन इजी, मोबाइल एप्स ने जो है कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना दिया है, ठीक है। मोबाइल एप्स हैव लाइव्स वेरी सिक्योर, ठीक है। मोबाइल एप्स ने जो है जीवन को भी सिक्योर सुरक्षित कर दिया है, ठीक है।
मोबाइल एप्स हेल्प अस टू स्टे अपडेटेड ऑफ द हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, ठीक है। मोबाइल एप्स, ग्लोब का मतलब है जो आपका वर्ल्ड है, वो दुनिया में क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में अपडेट करने में मदद करता है। ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी करने में, बुकिंग ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बुक करने में, रिजर्विंग एयरलाइन, एयरलाइन टिकट या रेलवे टिकट को बुक करने में, चेकिंग वेदर एट ए प्लेस वी विश टू विजिट एंड मच मोर, ठीक है। हम जहां पे विजिट करना चाहते हैं उस पे वहां का मौसम के बारे में जान सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम मोबाइल ऐप के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हाई डू वी नीड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेयर टू गेट एप्स फ्रॉम, हमें जो ये एप्स है वो कहां से मिलेंगे, कहां से मिलते हैं। सो वी कैन डाउनलोड एन ऐप ऑन आवर फोन, हम जो है अपने फोन में मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टैबलेट और ए कंप्यूटर, हम अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में या कंप्यूटर में एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या परचेजिंग देम, या उसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप ले लेते हैं, और या उसको हम, अगर हमें लाइसेंस वर्जन कोई चीज यूज करना है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो हम उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। When we buy new device, जब हम नई डिवाइस, नया मोबाइल सेट, नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, इट कम्स विथ ए प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी। ये जो है जो मोबाइल होता है उसमें पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, जैसे एंड्रॉयड हो सकता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS हो सकता है या ब्लैकबेरी हो सकता है, ठीक। द रिक्वायर्ड एप्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑनलाइन ऐप स्टोर ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जो हमें जरूरत होता है एप्स, उसको हम ऑनलाइन ऐप स्टोर पे, ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर है विच ऑफर्स एप्स फॉर एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे जो है एंड्रॉयड डिवाइस के लिए जो आप एप्स डाउनलोड करने के लिए ऑफर करता है, हैज मोर देन 3 मिलियन एप्स, ठीक है, जिसके पास 3 मिलियन एप्स से ज्यादा है एप्स है। व्हाइल एप्पल एप्स 3 मिलियन एप्स, ओके। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स, ठीक है, दीज आर प्लेंटी ऑफ कंसिडरेशंस व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग मोबाइल एप्स, ठीक है। बहुत सारे डिजाइनिंग और डेवलपिंग एप्स को कंसिडरेशन को लेके उसको क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ब्रॉडली दीज एप्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 different types, ठीक है। मुख्यतः जो है इसे 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया, बांटा गया है, बेस्ड ऑन मोबाइल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके मोबाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। प्लेंटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब है बहुत सारी बातों को कंसिडर करने के बाद डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के बेस पर उसे 3 भागों में बांटा गया है, नेटिव मोबाइल एप्स, वेब मोबाइल एप्स एंड हाइब्रिड मोबाइल एप्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नेटिव मोबाइल एप्स। सो नेटिव मोबाइल एप्स क्या होता है, दीज आर द मोबाइल एप्स दैट रन्स डायरेक्टली फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस, ये मोबाइल एप्स जो है जो कि मोबाइल डिवाइस पर डायरेक्टली रन करते हैं। दीज आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड एप्स विच कैन रन ऑन द स्पेसिफिक ओएस ओनली, ठीक है। ये जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऐप होते हैं जो कि स्पेसिफिक ओएस पर केवल चल सकते हैं, ठीक है, रन कर सकते हैं। दीज एप्स कैन बी डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम द मोबाइल एप्स, ये एप्स मोबाइल ऐप स्टोर के जरिए डायरेक्ट डाउनलोड किया जा सकता है एंड इंस्टॉल ऑन ए डिवाइस, और डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। वंस इंस्टॉल, एक बार इंस्टॉल होने पर दे कैन बी यूज्ड विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, उसको हम बिना इंटरनेट के यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, कैलेंडर, वेब ब्राउजर, ऑफिस एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके नेटिव मोबाइल एप्स, ठीक है। दूसरा आपका है वेब मोबाइल एप्स,
ये क्या होता है, दीज मोबाइल एप्स, वेब मोबाइल एप्स आर द प्रोग्राम, ये वो सॉफ्टवेयर है दैट रन्स डायरेक्टली फ्रॉम द वेब ब्राउजर ऑन द मोबाइल डिवाइस, जो कि मोबाइल डिवाइस पर वेब ब्राउजर के जरिए ये डायरेक्ट रन कर सकता है, रन करता है, ठीक है। द एप्स आर नॉट इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, ये ऐप जो है आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं रहता है, बट दे रन ऑन द वेब होस्टेड सर्वर, लेकिन ये जो है होस्टेड, वेब होस्टेड सर्वर पे रन करते हैं। दीज एप्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये एप्स आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं इस्तेमाल कर सकते। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वेब मोबाइल एप्स आर ईमेल एंड चैट एप्स, ठीक है, ऑनलाइन मोबाइल गेम्स, गूगल मैप्स एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब का यूज आप विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया वेब मोबाइल एप्स। नेक्स्ट आपका है हाइब्रिड मोबाइल एप्स, ठीक है, ये क्या होता है, हाइब्रिड एप्स आर पार्सली नेटिव एंड पार्सली वेब स्टोर्स, एज लाइक नेटिव, देखिए हाइब्रिड एप्स जो होता है वो आंशिक रूप से नेटिव भी होता है, आंशिक रूप से वेब स्टोर होता है, यानी दोनों प्रॉपर्टी होती है। लाइक नेटिव एप्स दे लिव इन एन एप्स स्टोर्स, वो एप स्टोर के अंदर रहता है, एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द डिवाइस फीचर एज वेल, और डिवाइस फीचर के एडवांटेज को भी साथ साथ डिवाइस फीचर के एडवांटेज को भी लाभ लेता है, ठीक है, का लाभ लेता है। दीज आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्स होते हैं दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड एप्स, ठीक। तो हाइब्रिड मोबाइल एप्स क्या होता है कि पार्सली यानी आंशिक रूप से ये नेटिव भी होता है, आंशिक रूप से ये वेब स्टोर होता है, और ये मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर होता है, और एडवांटेज ऑफ द एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द डिवाइस फीचर एज वेल, ठीक, और डिवाइस फीचर्स के भी एडवांटेज को भी कंसीडर करता है, लेता है, ठीक है। और ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकता है और इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम इसका, इस हाइब्रिड एप्लीकेशन का जो है एग्जाम्पल जो है इंस्टाग्राम है, ठीक। नेक्स्ट आपका है सम कॉमनली नोन एप्स, कुछ जो है जो सामान्य रूप से जो एप्स यूज होते हैं जनरली, जैसे आपका एजुकेशनल ऐप हो गया, इसका मतलब है दीज आर वेरियस एप्स विच आर यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड प्रोवाइड इन एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। ये जो है बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो एजुकेशनल, एजुकेशन के उद्देश्य से और कंटेंट प्रोवाइड, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के उद्देश्य से यूज किए जाते हैं। अब उसमें आपका हो गया अमेजोन हो गया, अमेजन किंडल हो गया, गूगल प्ले बुक्स हो गया, इसके एग्जाम्पल जो है अमेजन किंडल एंड गूगल प्ले बुक्स, ठीक है। बायजूस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका यूना अकाडमी हो गया, अन अकाडमी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके एजुकेशनल ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट ऐप्स है, मेनी एप्स अलाउ यू टू व्यू मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड टू प्ले गेम्स ऑन द स्मार्टफोन फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिस पर आप मूवी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, ठीक है, आप अपने मोबाइल पे एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, अमेजन प्राइम ये आपका एजुकेशन एंटरटेनमेंट ऐप है जिस पर आप मूवीज देख सकते हैं या कोई और भी चीज, कोई भी स्टोरी या कोई कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है इसमें। नेक्स्ट आपका है सोशल नेटवर्किंग एप्स, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ एप्स आर यूजली बाई मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्पेशली कनेक्ट विद अदर्स, ठीक है। ये इस प्रकार के जो एप्स होते हैं वो स्पेशली जो है सोशली रूप से एक दूसरे से करीब मिलियंस ऑफ पीपल से कनेक्टेड होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग एप्स है। ई कॉमर्स ऐप और ई शॉपिंग इज वन ऑफ द वाइडली यूज इंटरनेट सर्विसेज दीज डेज, ठीक है। ई कॉमर्स या ई शॉपिंग जो है आज के समय पे इंटरनेट सर्विस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्विस है, विच अलाउ यू टू परचेज ऑनलाइन, जो कि आपको ऑनलाइन चीजों को कहीं से भी, विश्व में कहीं से भी आप जो है उसको परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, जबोंग एक्सेट्रा, बहुत सारे ई कॉमर्स ऐप हैं जो आप जो है घर बैठे ही घर किसी चीज को परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। न्यूज एप्स,
दीज आर द मेनी एप्स, देर आर मेनी एप्स विच अलाउ यू टू व्यू द न्यूज ऑन योर मोबाइल डिवाइस। बहुत सारे ऐसे एप्स बनाए गए हैं जो कि आप मोबाइल डिवाइस पर किसी समाचार को घर पर देख सकते हो, अलाउ करते हैं। और द फ्यू पॉपुलर न्यूज एप्स आर, जो पॉपुलर मतलब कि जो प्रसिद्ध जो न्यूज ऐप है वो इंडिया टाइम्स है, NDTV, आज तक है और बहुत सारे हैं। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसी प्रकार आपका थर्ड चैप्टर सॉफ्टवेयर हमारी तरफ से खत्म हुआ। ठीक है, और हम आपको इसके साथ हम आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, इन PDF फॉर्मेट। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज मेक ए प्रॉपर नोट फ्रॉम दीज वीडियो लेक्चर्स एंड आस्क द डाउट्स इन डाउट सेशन इफ यू हैव एनी। सो थैंक यू सो मच।